वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप देखिए, बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगी है, बहुत ही नॉन स्टिकी बनी है, बिल्कुल भी गीली नहीं है, एक एक चावल हमारी खिली खिली है और मैं कितना इजीली अपने चम्मच से इसे हिला रही हूँ, फिर भी हमारे चावल टूटे या बिखरे नहीं हैं। आप भी ऐसी खिली खिली बिरयानी परफेक्टली बना सकते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, आप देखिए कितनी ही टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है और बनाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहे तो 3 टेबलस्पून देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता, साथ ही 10 से 12 काली मिर्च और 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा। और इन सारी चीज़ों को हमें 10 से 12 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ऑयल में इनका फ्लेवर आ जाए। और ऐड कर दे रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। और इन्हें चलाने के बाद इसमें ऐड कर देती हूँ 2 आलू, जिसे बीच से मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आलू थोड़े बड़े रहते हैं बिरयानी में, तो देखने में और खाने में दोनों में परफेक्ट लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट इन्हें इसी तरह भूंजा है। तो देखिए, अब इससे मिला लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें अदरक की क्वान्टिटी कम है और लहसुन की क्वान्टिटी ज़्यादा है फ्रेंड, तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। और इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें ऐड कर देते हैं हम सब्ज़ियाँ। तो आप अपने पसंद की जो भी सब्ज़ी हो वो इसमें ऐड कर ले। बिरयानी में वेज बिरयानी है, आपको जो भी सब्ज़ी अच्छी लगती है वो ऐड कर ले फ्रेंड। साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड इसी वक्त किया है और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इन्हें मिलाने के बाद इसी तरह इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भुनने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इसे एक बार चला लेते हैं हम। और इन्हें चलाने के बाद अब इसमें ऐड कर देते हैं हम स्वाद अनुसार नमक। तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें फ्रेंड। और इसे ऐड करने के बाद इसमें ऐड करते हैं दही। तो यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है, फ्रेश कर्ड है, और इसे अच्छी तरह से फैट ले फ्रेंड। और साथ ही ऐड करेंगे पुदीना के पत्ते फ्रेश और करी के पत्ते। और इन्हें ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे बीच से काट लिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड, देखिए अच्छे से मिला लें। और इसे मिलाने के बाद इसे ऊपर से इसी तरह कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुकी है, यानी हमारी दही भुन चुकी है। तो इसे एक बार मिला लेते हैं। और अब इसे मिलाने के बाद इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसे आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। तो चावल यहाँ मैंने 1.5 कप लिया है फ्रेंड। तो इसे अच्छे से डालने के बाद 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून केवड़ा जल। और इसे ऐड करने के बाद हल्के हाथों से चावल को मिला लें, ज़्यादा ना चलाएं वरना हमारे चावल टूट जाएंगे। और चावल को आधा घंटा के लिए मैंने सोक किया था। तो यहाँ 1.5 कप चावल है फ्रेंड, ध्यान से अभी क्वान्टिटी सुने। हमने 1 कप दही डाली थी, तो यहाँ मैंने 1.5 कप चावल लिया है, इसीलिए यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 1 कप मैंने पानी दिया है। तो यहाँ पे हमने कितना दिया है, 1 कप दही और 1 कप पानी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है 1.5 कप चावल के लिए। आप जिस चीज़ से भी नापे फ्रेंड, उसके हिसाब से पानी एडजस्ट कर ले। और फिर इसे प्रेशर कुक करने के लिए ढक्कन लगा देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इस पर 2 विसल आने का वेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 1 विसल आ चुकी है, तो अब दूसरे विसल आने का वेट करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, ये दूसरी विसल भी आ चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे विसल आने के बाद हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ख़ुद ही इसका प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। तो देखिए, मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद अपना ढक्कन खोला है और आप देखिए तैयार है हमारा टेम्प्टिंग डिलीशियस और बहुत ही खिली खिली बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी मेहनत के। और टेस्ट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, आप इसे बनाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और देखिए कितनी खिली खिली और परफेक्ट है, कोई भी चावल हमारे टूटे या बिखरे नहीं हैं और बिल्कुल नॉन स्टिकी, बिल्कुल चिपचिपी नहीं है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ, देखिए एक एक दाना अलग अलग है, परफेक्ट बिरयानी बनी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप इस बिरयानी को तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर, और इसे इंजॉय कर सकते हैं। इवन बैचलर भी इसे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो इस बिरयानी को आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।